हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर्स की यह दूसरी क्लास है। अगर आपने पहली क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जाकर देख सकते हो और प्लेलिस्ट से भी जाकर आप उस वीडियोज़ को देख पाओगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गवर्नमेंट टू स्टेब्लिश डैश न्यू डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल्स बाय 2024-2025। तो देखिए 2024 से 25 के बीच में सरकार कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल की स्थापना करेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखिए 33 होगा, ए नंबर इज द राइट आंसर। जी हाँ, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं आपको वो बता दूँ। देखिए इंडिया के पास कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो 21। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और फिलहाल एक और क्वेश्चन मैं बता दूं जो कि पूछा जाता है, जो हमारे उड़यन विकास मंत्री हैं श्री ज्योतिरादे सिंधिया हैं। जी हाँ, ज्योतिरादे सिंधिया हैं और ये मध्य प्रदेश से MP चुने जाते हैं, अभी फिलहाल जो है राज्यसभा से ये सांसद हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस देश में भारतीय दूतावास ने योग सत्र आयोजित किया है। तो देखिए ये आंसर आपको दिखेगा चाइना। जी हाँ, बीजिंग में ये सारा तामझाम हुआ है, योगा वगैरह की गई है और यहाँ से आप इमेज भी देख पाओगे, इंडियन एम्बेसी ने जो है बीजिंग में योगा सेशन ऑर्गेनाइज़ किया और ये SCO के सेक्रेटरी भी वहाँ पे इंडिया का उन्होंने प्रेज किया। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, SCO का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में आप सारे लोग इसका आंसर करो। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यू सू योल जो है प्रेसिडेंट बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं किस देश के। तो देखिए हाल में ही साउथ कोरिया में इलेक्शन हुए थे और ये चुनाव जीत चुके हैं वहाँ पे। बी इज़ द राइट आंसर। साउथ कोरिया इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन रखता है तो यह क्वेश्चन एग्जाम में आपसे आ सकता है। तो देखिए अगर आप बिहार हेडमास्टर की तैयारी कर रहे हो और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़कर, तो जी हाँ ओनली 599 में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे, ये आप परचेस कर सकते हो या फिर 100 रुपये में, 100 रुपीज़ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परचेस कर सकते हो। अब आप बोलोगे कोई नंबर दो या कुछ, तो देखिए यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsinh, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ करके कोई भी इंक्वायरी हो कर सकते हो रिगार्डिंग नोट्स एंड PDFs। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। EU यानी कि यूरोपीय संघ ने किस देश को मानवीय सहायता बढ़ाने का संकल्प लिया है। तो देखिए ये है सीरिया, जहाँ पे जो है गृह युद्ध चल रहा है, आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडिया ने जो कोल प्रोडक्शन है, कोयला उत्पादन है, कितने प्रतिशत की वृद्धि कर ली है। तो इसका राइट आंसर 29% होगा। एक बार मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँ, वेट अ मोमेंट, जी हाँ 29% इसका करेक्ट आंसर होगा। 29% अप्रैल में जो है इंक्रीज हुआ है हमारा कोल प्रोडक्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। संतूर वादक जो शिव कुमार शर्मा थे, इनकी डेथ हो गई, वो 84 ईयर्स के थे। देखिए क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाएगा, 84 ईयर्स के ये थे और शिव कुमार शर्मा बहुत ही फेमस थे पूरे, और इनका जो निधन है वो मुंबई में हुआ, बहुत वर्ल्ड फेमस इंसान में थे, पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अमित शाह के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि जल्द ही आपसा, ये कानून आपने आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट सुना होगा, हिंदी में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को हटाने की तैयारी कर रही है BJP सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा आसाम। जी हाँ, आसाम से जल्द ही ये जो है आसपा हट जाएगी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत सारे फिल्म जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हस्ती हैं, उनके साथ अनुराग ठाकुर कौनस में रेड कॉर्पेट पर चलते हुए दिखेंगे। तो देखिए इसमें अक्षय कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शेखर कपूर भी आपको साथ में दिखेंगे चलते हुए। तो ये कब किया जाएगा इसके बारे में जानेंगे। यहाँ से आप देखो एक आर्टिकल भी देख सकते हो, यहाँ से अनुराग ठाकुर हैं और आपको ये यहाँ पे इसलिए ये दिख रहे हैं क्योंकि ये यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, इसलिए आप ये यहाँ पे जा रहे हैं। तमन्ना भाटिया भी जाएगी, पूजा हेगड़े, तो बहुत सारे एक्टर हैं और आर माधवन भी जा रहे हैं। और ये यहाँ से देखो आंसर आपको दिखेगा, 17 मई को ये कार्यक्रम आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखिए, किस देश के अनुसार श्रीलंका में लोकतंत्र, अस्थिरता और आर्थिक सुधार का पूर्ण समर्थन करता है, यह कौन देश है। तो देखिए बिल्कुल हमारा पड़ोसी मुल्क
श्रीलंका की सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। भारत ने हमेशा से श्रीलंका को छोटे भाई की तरह मदद करी है, जब भी विपदा आई है भारत खड़ा रहा है श्रीलंका के साथ। आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन, तो मैंने ये क्विक पॉइंट्स ऑफ द डे बना रखा है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेन पेपर पर नोट कर सकते हो। कोई सुधार की गुंजाइश हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।